हम मतलब कुछ हार जाए पर्सनली चलेगा, हाँ। लेकिन इंडिया को जीतना चाहिए। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया भी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया भी जीतेगा। लोग उठ के आए पाकिस्तान से, मोहम्मद हफीज ने बोला ये तो सेल्फिश इनिंग है। अबे तुम लोग T20 में 30 बॉल पे 12 रन बनाते हो, तुम विराट कोहली को अब सिखाओगे कि वो सेल्फिश खेल रहा है कि सेल्फलेस खेल रहा है? सभी लोग कहाँ से हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, तो आप अहमदाबाद से आए हैं? पूरी दुनिया इस वक्त अहमदाबाद जा रही है वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए, आप दिल्ली आए हैं और टिकट नहीं मिली। तो 2003 का वर्ल्ड कप हम हार गए थे, इसलिए आपके जीतना है, ऑस्ट्रेलिया को हराना है। शुभमन गिल मैम, शुभमन गिल अहमदाबाद में मैम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अहम भूमिका रही है रोहित शर्मा कप्तानी की। खैर मिडिल क्लास है, हम लोग काम छोड़ के एक दिन तो हम टाइम निकालेंगे अपने देश के लिए मैच देखने के लिए। धोनी नहीं थे उसके बाद भी हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। उसका बदला लेने का बहुत अच्छा टाइम है अभी। बल्लेबाजी आती है तो कम से कम 400 के ऊपर टारगेट करेंगे। क्या बात है। और गेंदबाजी आती है तो बहुत कुछ 50 पे आउट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूटने वाले 19 तारीख को। ऑस्ट्रेलिया को इस कदर हराएंगे कि दोबारा वो वर्ल्ड कप में आने की नहीं सोचेंगे। इंडिया की विराट कोहली का मैम बैड टाइम था, कितने मैचेस जिताए मैम इंडिया को उसने, और रोहित शर्मा ने भी। इनकी जो इज्जत ना करे मैम, मेरे ख्याल से उसे इस देश में रहने का। आप सभी गुजरात से हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप गुजराती में जरा हमारी टीम इंडिया को विश कर दीजिए। भारत ने टीम वर्ल्ड कप लास्ट है ने हमने बहुत गौरव छे। चुकी है, इतना जबरदस्त एक तरफा प्रदर्शन करा है, तो क्या ये उम्मीद थी कि इंडिया इतना जबरदस्त परफॉर्म करके फाइनल में आएगी? मैम एशिया कप में जैसे इंडिया ने इस बार परफॉर्म किया था, और उसके बाद हम लोग होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, और हमारी टीम का बैलेंस बहुत सही है, क्योंकि आप WTC में भी देखिए तो हमारे दो मेन प्लेयर्स उसमें मिसिंग थे। मुझे लगता है कि अभी जो इंडियन टीम है ना वो फुल फॉर्म में है। रोहित कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं और सारे प्लेयर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, इस बार इंडिया फाइनल निश्चित है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी उम्मीद थी, खिलाड़ी है हमारे पास दमदार, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से ही लग रहा था कि टीम इंडिया इस बार फाइनल तक पहुंचेगी, ना सिर्फ पहुंचेगी इस बार तो वर्ल्ड कप भी हम परसों जीतने ही वाले हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारी इंडिया फाइनल तक पहुंचे, और ये सबसे बड़ी ये बात यह है कि हमारी इंडिया ने सारे मैच जीते हैं, और जितने भी टीम के साथ में मैच खेले सबको ऑल आउट किया है। जो ऑस्ट्रेलिया होगी वो जरूर बीट करेगी इंडियन टीम। सामने ऑस्ट्रेलिया है, कुछ डर लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया कभी भी डरे हम लोग, वो तो 2003 का वर्ल्ड कप हम हार गए थे। नहीं, हमारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता, आज हम पूरे वर्ल्ड पर राज करने वाले हैं। वार्नर है, मैक्सवेल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम से हमारा फाइनल है, तो कौन सा एक खिलाड़ी है जो आपको लगता है कि ये इंडियन टीम के लिए खतरा हो सकता है? मैक्सवेल जी, मैक्सवेल बैटिंग में मैक्सवेल, और बॉलिंग में मिचेल स्टार्क। कल वार्नर और ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, स्पेशली जैसे रोहित शर्मा करते हैं हमारी टीम के लिए, क्योंकि मैं कई जगह देखता हूं तो दुख होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसके बाद से क्यों नहीं आगे बढ़ गई? गेम तो वहीं किल हो गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास विराट कोहली नहीं था जो वहां पे रोके विकेट। उसी पिच पे ईडन गार्डन पे विराट कोहली ने 120 गेंदों पे शतक बनाया, तो कुछ लोग उठ के आए पाकिस्तान से, मोहम्मद हफीज ने बोला ये तो सेल्फिश इनिंग है। अबे तुम लोग T20 में 30 बॉल पे 12 रन बनाते हो, तुम विराट कोहली को अब सिखाओगे कि वो सेल्फिश खेल रहा है कि सेल्फलेस खेल रहा है? इसमें है डेविड वार्नर, स्मिथ कर सकते हैं, पर हमारे जो बॉलर हैं उसके सामने तो हमको लगता है नहीं टिकेंगे। तो कोई एक खिलाड़ी जो इंडियन टीम के लिए सबसे ज्यादा अहम रहा है इस वर्ल्ड कप में? रोहित शर्मा। आई बिलीव इन रोहित शर्मा। मेरे लिए मोहम्मद शमी, जो इतनी चोट खाने के बावजूद ही उसको सब कुछ ऐसा दिखता है कि बस मेरा निशाना स्टंप ही है, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। शमी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे ग्रेट प्लेयर है, असला जो चांस पहले 3 मैच में नहीं मिला, चौथे मैच में जो मैच मिला तो उसने खुद को साबित किया है उसमें कि उसके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत है। मोहम्मद शमी ओनली। रोहित शर्मा शुभमन गिल अहमदाबाद में मैम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। कोई एक खिलाड़ी जिससे आपको उम्मीद है? कोहली। कोहली से? बिल्कुल, वो तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उनसे तो उम्मीदें बनती है। बहुत खेल राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शमी, बुमराह विद द न्यू बॉल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप, जडेजा, एवरीवन हैज बीन फ्लॉलेस। क्योंकि यार इतने सालों से ट्रॉफी नहीं आई है, तो मैं जानना चाहती हूँ एज एन इंडियन फैन कितना जरूरी है हमारे लिए ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी आना और इंडियन टीम जीते। ट्रॉफी घर में ही आज भी, बाहर नहीं जानी चाहिए, वो घर में ही रहने वाली है, घर से बाहर नहीं जाएगी। बाहर जाएगी तो दुख होगा, ट्रॉफी अगर इंडिया के बाहर जाएगी तो दुख होगा। बहुत जरूरी है, 12-13 साल से अभी तक एक भी ICC टूर्नामेंट नहीं जीते हम लोग, ये सोचिए, मगर इस बार जीतना चाहिए। फैन की उम्मीद को
टीम को थोड़ा हौसला देना चाहिए हम लोगों को। जहाँ पे नीरा समंदर होता है वहाँ अपना ही पार हो जाता है। क्या बात है। मैच देखेंगे, चीयर अप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे और यही एक चाहिए कि बस वो कप चाहिए मैम इस बार। अब नहीं, इस बार अगर हार गई तो 10 दिन तक तो खाना नहीं गले से नीचे उतरेगा मैम। अरे यार क्या बात कर रही है। अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो मेरे आंखों में तो आंसू आ जाएंगे। नहीं, इंडियन टीम को जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडियन टीम हम काफी लास्ट टाइम तो धोनी ने जीता था 2011 का, उससे पहले 2003 का वर्ल्ड कप हमने ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारा था, उसका बदला लेने का वक्त अभी सबसे अच्छा है। और इंडिया फाइनल इस बार जीतेगी, इतने दिनों बाद धोनी नहीं है फिर भी इंडिया हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। बहुत जबरदस्त खुशी है, हम तीसरा वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। आप हमारे लिए मतलब एक ऐतिहासिक क्षण होगा। आपके क्या प्लान्स हैं? आप संडे फ्री हैं? तो भाई कल का फिक्स है कि फुल मैच देखना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक हमें मैच देखना है और चिल करेंगे और इंडियन टीम 100% जीतेगी। जय हिंद, इंडिया टीम जिंदाबाद। और घर पे आराम से जाके भेज देंगे चाय पकौड़ी पराठे के साथ में। वाह क्या बात है। संडे वाले दिन हमारा हॉलीडे है, हम पूरा दिन मैच देखेंगे, हमारे प्रोफेशनल डॉक्टर का, हम उस दिन भी नहीं जाएंगे। अच्छा। हम पूरा दिन मैच देखेंगे लाइव, खाएंगे पिएंगे और क्रिकेट देखेंगे और इंडिया को जिताएंगे। मियां मैजिक का जलसा होगा, बुमराह की पेस होगी और शामी के विकेट उखड़ेंगे और हमारे घर की घरवालियों का खाना होगा लजीज खाना। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।